मैं अपने सोलमेट के साथ अपना फेस बदल लूं या फिर अपना स्टमक? अगर मैंने स्टमक बदल लिया और उसने कुछ स्पाइसी खा ली तब तो मेरे पेट में दर्द होगा, इसीलिए मैं फेस चूज करूंगी। हाँ, 3 घंटे बाद मेरा फेस मेरे सोलमेट के साथ बदल जाएगा, इसका मतलब कुछ ही देर बाद मुझे पता चल जाएगा कि मेरा सोलमेट हैंडसम दिखता है या फिर अगली। रिंकी, मैं बहुत सैड हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने चूज किया कि मेरा फेस मेरे सोलमेट के साथ बदल जाए, क्या होगा अगर वो अगली दिखता होगा। सेम चीज मैंने भी चूज किया, एटलीस्ट स्टमक बदलने से तो अच्छा ही है। अब तो मुझे भी डर लग रहा है, पता नहीं मेरे सोलमेट का फेस कैसा दिखता होगा। रिंकी, तुम्हें शर्म नहीं आती अपना फेस अपने सोलमेट के साथ एक्सचेंज करने में? तुम्हारा फेस इतना बोरिंग है कि किसी के भी ऊपर गंदा दिखेगा। आई थिंक मेरे सोलमेट से मेरा फेस बदलने से पहले मुझे अपने फेस पे और मेकअप लगा लेना चाहिए, इससे मेरे सोलमेट को ये नहीं लगेगा कि मेरा फेस बोरिंग है। हो गया। हाँ, सिर्फ 5 मिनट बचे, उसके बाद मेरा फेस मेरे सोलमेट के साथ चेंज हो जाएगा। हाय रिंकी। ओह हाय। मैंने ये वाला ऑप्शन चूज किया जिसमें मेरा फेस मेरे सोलमेट के साथ बदल जाएगा। क्या तुमने भी यही चूज किया है? मैंने भी यही चूज किया है। हाँ, बस 2 घंटे बाद मेरा फेस मेरे सोलमेट के साथ चेंज हो जाएगा। 2 घंटे? लेकिन मेरा टाइम तो तुम्हारे टाइम से डिफरेंट है। ओह, तो इसका मतलब हम दोनों सोलमेट नहीं है। हाँ, तुमने सही बोला। ठीक है, टाइम आ गया मेरा फेस मेरे सोलमेट के साथ चेंज होने का। 3, 2, 1। हाँ, मुझे लगता है ये चेहरा मैंने इससे पहले भी कहीं देखा है। खैर, मेरा सोलमेट उतना भी गंदा नहीं दिखता है, हैंडसम तो है, मानना पड़ेगा। राहुल, क्या आज हम दोनों डेट पे चलें प्लीज? ओह, तो इसका मतलब मेरे सोलमेट का नाम राहुल है। राहुल नहीं, उसकी बात मत सुनो प्लीज, उसकी जगह मुझे डेट पे लेके चलो। लगता है सारी लड़कियां राहुल की दीवानी है। सॉरी गर्ल्स, लेकिन मैं अपने सोलमेट को चीट नहीं कर सकता, सॉरी। हे राहुल, 1 मिनट, तुमने लड़कियों जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? ऐसे ही मन कर रहा था। है, मन कर रहा था? कितनी अजीब बात है। खैर, क्या तुम स्कूल के बाद जिम चलोगे थोड़े से वेट उठाने के लिए? क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा पतले लग रहे हो। जिम? हाँ, क्यों नहीं। राहुल, यस सर। तुम पिछले 5 दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे? वो सर, मेरी तबीयत नहीं सही थी। अच्छा, स्कूल नहीं आने की वजह से मैं तुम्हें पनिशमेंट देता हूँ। पनिशमेंट? लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मुझे जल्द से जल्द अपने सोलमेट को ढूंढना होगा ताकि हम अपने असली फेस को बदल सके। हे राहुल, एक लड़की है जिसका नाम रिंकी है, वो तुम्हें ढूंढ रही है। मुझे ढूंढ रही है? लेकिन कहाँ? मैंने उसको लास्ट टाइम 3rd फ्लोर पे देखा था। बंटी, क्या तुम टीचर को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो ताकि मैं चुपके से क्लास से बाहर जा सकूं? ठीक है। सर, मैंने अपने पैंट में पॉटी कर दी। 1 मिनट, तो क्या मैं ऐसी दिखती हूँ सबको? फाइनली मुझे मेरा फेस वापस मिल गया। हे, मेरा नाम राहुल है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाय, मेरा नाम रिंकी है। मुझे काफी अजीब लग रहा था तुम्हारा फेस लेकर घूमने में, सबको ये लग रहा था कि मैं राहुल हूँ, और वैसे तुम तो काफी लड़कियों के क्रश भी हो। उनके बारे में ध्यान मत दो। खैर, मैं तो ये जान के हैरान हूँ कि हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आज से पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। I mean, हमारा स्कूल भी तो काफी बड़ा है। हाँ, तुमने सही बोला। खैर, क्या हम स्कूल के बाद साथ में आइसक्रीम खाने चले? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले तुम अपने पनिशमेंट फिनिश कर लो। हाँ, पनिशमेंट? लेकिन क्यों?